नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मारुति की बलेनो के साथ में स्कोडा की रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं और दोनों में एक ही समान धागा है, वो है दोनों की प्राइसिंग। दोस्तों यहाँ पर हम बलेनो का जो अल्फा मैनुअल में पेट्रोल वेरियंट है उसके साथ में स्कोडा रैपिड के बेस वेरियंट को कंपेयर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में अगर इन दोनों गाड़ियों के बारे में आपके जहन में कोई सवाल या डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए या फिर मारुति की बलेनो। क्या आपको लगता है कि मारुति की बलेनो बिल्ड क्वालिटी के मामले में किसी भी एंगल से स्कोडा की रैपिड को एक तगड़ा मुकाबला दे सकती है? इस तीन के डब्बे का ऑटो रिक्शा के साथ में एक्सीडेंट का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको मारुति की बिल्ड क्वालिटी का पता चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में जो भी प्राइस गैप है वो आपको मजबूर कर सकता है कि मारुति की बलेनो को भूल कर आपको स्कोडा की रैपिड लेनी चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं दोनों गाड़ियों को लेकर तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में, और शुरुआत करेंगे सेगमेंट से। तो जहां तक स्कोडा रैपिड की बात है, ये एक 4 मीटर प्लस मिड साइज सेडान सेगमेंट की कार है दोस्तों। वहीं पर मारुति की बलेनो सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है दोस्तों। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो स्कोडा रैपिड के सेगमेंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7,49,000 रुपीज़ से लेकर 15 लाख प्लस तक ये चली जाती है। वहीं बलेनो के सेगमेंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है दोस्तों 5,29,000 रुपीज़ से एंड इट गोज़ अप टू 9,34,000 रुपीज़ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मारुति के बलेनो रैपिड से विड्थ के मामले में 46 mm और हाइट के मामले में लगभग 44 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं स्कोडा के रैपिड बलेनो से लेंथ के मामले में 423 mm से और व्हील बेस के मामले में 32 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे बलेनो से। बलेनो में आपको मिलेगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि आपको 83 PS की पावर प्रोड्यूस करके देगा 6000 RPM पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा 4200 RPM पर। वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 110 PS की पावर देगा 5250 RPM पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा 1750 RPM से लेकर 4000 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है और एक नज़र डालेंगे दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें एक बेसिक अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों कि दोनों में से कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। और जहां तक बलेनो की बात है, इसका वज़न है दोस्तों 865 किलोग्राम से लेकर 890 किलोग्राम तक। वहीं स्कोडा की रैपिड का वज़न है दोस्तों 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक, जो कि बलेनो के वजन से लगभग 248 किलोग्राम ज़्यादा है। जिस कंपनी का यानी मारुति का CEO खुद अपनी गाड़ियों को अगर NCAP क्रैश टेस्ट में भेजने के लिए मना कर देता है तो उस कंपनी की और उन गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी का मेरे हिसाब से भगवान ही मालिक होगा। चलिए लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहां पर बलेनो में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। टर्निंग रेडियस की जहां पर बात है दोस्तों, तो मारुति की बलेनो में आपको 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर मारुति की बलेनो में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है,
वहीं स्कोडा की रैपिड में इससे 18 लीटर ज़्यादा यानी कि 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर होता है दोस्तों। और हमेशा की तरह जब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है तो लगे हाथों हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो स्कोडा की रैपिड में जहां पर आपको मात्र 19 KMPL का माइलेज ऑफर किया जाता है, वहीं मारुति की बलेनो इस मामले में 2 लीटर से आगे निकल जाती है और यहाँ पर उसमें आपको 21 KMPL का माइलेज ऑफर किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो मारुति की बलेनो में जहाँ पर 339 लीटर का बूट स्पेस ऑफर होता है, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको काफ़ी स्पेशियस और बड़ा 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी व्हील्स या फिर अलॉयज के बारे में। तो यहाँ पर बलेनो की अल्फा वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं स्कोडा की रैपिड में बेस वेरिएंट होने की वजह से आपको 16 इंचेस के स्टील रिम्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको व्हील कवर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर बात करें तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलता है, वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। उसी के साथ में आपको LED DRL देखने को मिल जाएंगी, फ्रंट फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 16 इंचेस के व्हील्स दोनों गाड़ियाँ ऑफर करेंगी। बलेनो में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, स्कोडा के रैपिड में आपको स्टील रिम्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट इस दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज स्पेस। दोनों गाड़ियां आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग ऑफर करती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा अलॉन्ग विथ ऑल बेसिक नेसेसरी फीचर्स जैसे कि AM/FM, USB, ऑक्सन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार कनेक्टिविटी का फीचर। यहाँ पर स्कोडा की रैपिड में आपको केवल एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा, एप्पल कार कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इस दोस्तों दोनों गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और ड्यूअल एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट इस आपको ABS प्लस EBD मिल जाएगा, रियर व्यू पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं आपको मारुति की बलेनो में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो स्कोडा की रैपिड में आपको नहीं मिल पाते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो बलेनो में आपको मिलता है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब आपको देखने को मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ऑटो फोल्ड ORVMs आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM आपको देखने को मिल जाएगा, रियर वाइपर एंड वॉशर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी आपको बलेनो में देखने को मिल जाता है। जब आपको प्राइस पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि बलेनो स्कोडा की रैपिड से लगभग 22,112 रुपये महंगी है, लेकिन इस एक्स्ट्रा कॉस्ट में बलेनो हमें ऐसी कोई भी फीचर्स ऑफर नहीं कर पाती है जो इस एडिशनल कॉस्ट को जस्टिफाई कर सके। वहीं अगर आपने कल ही मेरा अल्ट्रोस के साथ में स्कोडा रैपिड का कंपैरिजन का वीडियो देखा होगा तो वहां पर इस 20,000 के प्राइस गैप में टाटा की अल्ट्रोस आपको टन्स ऑफ फीचर्स ऑफर करती है। उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको मारुति की बलेनो में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि आपको स्कोडा की रैपिड में मिलता है, वो है रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज रियर AC वेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर के लिए डेड पेडल फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, एंड द लास्ट फीचर इज स्कोडा की रैपिड में आपको स्टेनलेस स्टील की स्कफ प्लेट्स मिलती हैं जिस पर स्कोडा की ब्रांडिंग यानी कि रैपिड का नाम लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले वारंटी ऑफर के बारे में और शुरुआत करेंगे बलेनो से। तो बलेनो में आपको 2 साल की या फिर मात्र 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, उसके अगेंस्ट में स्कोडा की रैपिड आपको 4 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर करती है। उसके साथ में आपको 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस मिलता है, 4 साल में 60,000 किलोमीटर तक आपको 4 लेबर फ्री सर्विसेज मिलेंगी जिसका इंटरवल होगा 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे ऐसे लगता है कि वारंटी के मामले में भी स्कोडा की रैपिड बलेनो से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब थोड़ा सा मेंटेनेंस पर भी गौर कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मारुति इंडिया की सबसे लोवेस्ट मेंटेनेंस गाड़ियां मैन्युफैक्चरर करने वाली कंपनी है। वहीं पर ये भी सबको मालूम है कि स्कोडा का मेंटेनेंस बाकी सभी गाड़ियों से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जिस तरीके का 4 साल का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर आपको स्कोडा की रैपिड पर मिल रहा है और जो भी प्राइस गैप में आप पैसा बचाएंगे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको स्कोडा की रैपिड मेंटेन करने में
कोई भी दिक्कत होने वाली है। चलिए अब आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की या फिर वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग रिवील करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले बलेनो की प्राइसिंग से। तो बलेनो का मैनुअल पेट्रोल में जो अल्फा वेरिएंट है उसकी कीमत एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिल जाएगी 7,71,112 रुपीज़। वहीं स्कोडा की रैपिड का जो बेस वेरिएंट है जिसका नाम है दोस्तों राइडर, पेट्रोल में मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिल जाएगा 7,49,000 रुपीज़ का, जो कि मारुति की बलेनो से 22,112 रुपए सस्ता आता है। प्राइस जानने के बाद में अब ये कंज्यूमर को सोचना है कि अपनी प्रायोरिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, और उसके हिसाब से इन दोनों गाड़ियों में से वो कौन सी गाड़ी अपने लिए चुनना चाहते हैं। अब एक नज़र दोनों ही गाड़ियों के कॉम्पिटिशन पर डालते हैं। तो जिस सेगमेंट में मारुति की बलेनो आती है वहाँ पर आपको टाटा की अल्ट्रोज देखने को मिल जाएगी, टोयोटा की ग्लांजा मिल जाएगी और ह्यूंडई की i20 जैसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ प्राइस की वजह से टाटा की नेक्सॉन का जो XM वेरिएंट है वो भी एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर साबित होता है दोस्तों। रैपिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रैपिड के सेगमेंट में ह्यूंडई की वेरना आ जाती है, होंडा की सिटी आ जाती है, फोक्सवैगन की वेंटो आ जाती है, मारुति की सियाज आ जाती है, और कीमतों की क्लैश की वजह से कुछ हद तक आपको ह्यूंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, टाटा की हैरियर और MG की हेक्टर जैसी गाड़ियां इस सेगमेंट को एक तगड़ा कंपटीशन और अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल करवाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स, क्योंकि अच्छाइयाँ, फीचर्स और प्राइस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे बलेनो के ड्रॉबैक्स से। तो लो स्पीड पर बलेनो की जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी स्टिफ है, उसे थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। बलेनो की जो फिट एंड फिनिश है वो प्रीमियम नहीं लगती है, वो भी थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर और प्रीमियम हो सकती है। बलेनो में काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मिसिंग है दोस्तों, जैसे कि रियर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते, सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं, रियर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, और बलेनो के बिल्ड क्वालिटी का भगवान ही मालिक है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मुझे बलेनो के ड्रॉबैक में नज़र आते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कोडा के रैपिड के ड्रॉबैक्स के बारे में। और सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों इसका डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बहुत ही मैच्योर, स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिज़ाइन आउटडेटेड है, क्योंकि जब से स्कोडा की रैपिड लॉन्च हुई है तब से लेकर आज तक ये सेम डिज़ाइन चला आ रहा है। आज के ट्रेंड के हिसाब से, मॉडर्न एज और अपमार्केट के हिसाब से स्कोडा को इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए थे। अगला ड्रॉबैक है जो कि रैपिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, वो है दोस्तों कि इतने सालों की प्रेजेंस के बावजूद भी स्कोडा का जो डीलर और सर्विस नेटवर्क है वो आज भी इंडिया में लिमिटेड है, जिसकी वजह से अगर सर्विस सेंटर 200-200 किलोमीटर तक दूर है तो लोग बाकी सारी कंपनियों पर मुड़ जाते हैं, बावजूद इसके कि आप कितनी भी अच्छे फीचर्स और बेहतरीन कार प्रोवाइड कर लो। लास्ट ड्रॉबैक है दोस्तों कि आज की डेट में अभी तक स्कोडा की रैपिड आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलती है, ना ही अब ये डीजल में अवेलेबल है। हो सकता है ऑटोमेटिक जल्दी अवेलेबल हो जाए, लेकिन अब डीजल इंजन स्कोडा ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, तो ये भी मुझे एक ड्रॉबैक लगता है। अब पहुंचते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी पड़ाव में और बात कर लेंगे ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को गौर से देखने के बाद में मुझे ऐसे लगता है कि किसी को भी इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि स्कोडा की रैपिड अपनी प्राइस की वजह से और बाकी सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर क्लियरली विनर साबित होती है। अब सोचना कंज्यूमर को है कि अपने लिए वो कौन सी गाड़ी चाहते हैं और किन चीज़ों को गाड़ी लाते वक्त तवज्जो देते हैं। मेरे हिसाब से अपने लिए मैं दोस्तों स्कोडा की रैपिड लेना पसंद करूंगा, और मेरी इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है कि बलेनो से सस्ती कीमत में अगर मुझे एक ज़्यादा बड़ी, स्पेशियस, प्रीमियम और कंफर्टेबल कार मिलती है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बलेनो से कहीं ज़्यादा बेटर है, इंजन का परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट ज़्यादा बेहतरीन है, गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर है, सेफ्टी ज़्यादा बेहतर ऑफर कर पाती है दोस्तों, और साथ ही साथ में 4 साल का एक बेहतरीन स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर पाती है, तो इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर बलेनो लेने का मेरे लिए कोई भी सेंस नहीं बनता है। आपको क्या लगता है कि आज की इस वीडियो में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जीती है और आपके लिए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? आपने दोनों गाड़ियों में से अपने लिए क्या चुना? इन सभी चीज़ों को दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए आप सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।